भारत का भी सौभाग्य है कि करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान पान लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचेज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहां मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। इलेक्टेड ऑफिशियल्स, खासकर शहरों के मेयर और गांवों के सरपंचों से जब मैं संवाद करता हूं तो ये आग्रह जरूर करता हूं कि स्वच्छता जैसे प्रयासों में लोकल कम्युनिटीज और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करें। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संतिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री जगन्नाथ संस्कृति अनेक रहस्य एवं रहस्य भितरे मांकर उपासना एभली अनेक तथ्य आउ तथ्य को धरी आमर स्वतंत्र उपस्थापना श्री जगन्नाथ संस्कृति रे मातृवंदना केवल अर्गस न्यूज।